चलो आईडी फैमिली वेलकम करते हैं आप सभी का एक कोड इफेक्ट टूटे के न्यू वीडियो में। तो दोस्तों अपने गेम के अंदर आ चुका है न्यू रिंग इवेंट जिसमें आप लोगों को दिया जा रहा है, देख सकते हो रैम्पेज वाला है जिसमें आप लोगों को M10 एंड M60 की स्किन आपको दिए जा रहे हैं। चार आपको M10 का स्किन है एंड गाइस चार आप लोगों का M60 की स्किन है। तो चारों का सबका रिव्यू करूंगा, देख सकते हो गाइस इतना सारा है एंड सबका रिव्यू करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि टोटल जो है ना मतलब सब में से सबसे ज्यादा बेस्ट M10 कौन सा है, सबसे ज्यादा बेस्ट M60 कौन सा है और टोटल डायमंड भी बताएंगे कितना डायमंड लगने वाला है टोटल इसके अंदर। तो चलिए इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी ओपी होने वाला आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहो। हाँ फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल पर आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियो आती रहती है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो भाई देखिए इस इवेंट में आओगे सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो तो ये कुछ 14 दिनों तक चलने वाला है ये इवेंट एंड गाइस इसमें आप लोगों को फास्ट स्पिन एक तो 20 स्पिन का देखने को 20 डायमंड का देखने को मिलेगा एंड गाइस 11 स्पिन आपको 200 डायमंड का देखने को मिलेगा 10+1 11। अब बात आती है गाइस यहाँ पर आप लोग को टोकन, ये तो यूनिवर्सल टोकन है जो कि आप लोग को पता है टोकन मिलेगा तो आपका टोकन सेफ हो जाएगा जो कि मतलब आप लोग का बाद में भी यूज कर सकते हो या फिर अदर में भी आप टोकन से भी खरीद सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। गाइस आती है गाइस इसके अंदर जो है ना सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, देखिए सबसे ज्यादा बेस्ट जो है ना ये सबसे पहले फर्स्ट वाला ये वाला मतलब M60 का करते हैं अजर स्टम्पिंग का। तो गाइस ये जो है ना आप लोगों का कुछ इस टाइप का देखते हो, इसका एट्रीब्यूट है डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर, तो काफी ज्यादा मस्त है। मैगजीन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 60 मैगजीन रहता है तो एक मैगजीन माइनस होगा तो आप लोगों को 55 एमओ अटेगी। और गाइस काफी ज्यादा मस्त है, डबल डैमेज है और सिंगल रेट ऑफ फायर, तो काफी ज्यादा मस्त है, डैमेज भी लगेगा सो रेट ऑफ फायर तो है ही भाई तबाही वाला, और बैठ के चलाओगे तो फाड़ देगा बंदे को तो खत्म ही कर देगा। अरे गाइस गाइस सबसे पहले तो N94 का ही मतलब M60 के टोटली M60 का रिव्यू कर लेते हैं। अरे गाइस सेकंड M60 जो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, कुछ व्हाइट वाली पूरे का पूरा व्हाइट वाली देख सकते हो जिसमें आपको डबल रेट ऑफ फायर सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रिलोड स्पीड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिलोड स्पीड वैसे भी इसमें फास्ट हो ही जाएगा, टेंशन कोई भी, और एमओ बहुत ज्यादा हटता है इसके अंदर सबसे पहली बात। तो ये देखिए गाइस सिंगल डबल रेट ऑफ फायर और डिंग क्वेश्चन भी है, मतलब एम भी नहीं हटेगा और रेट ऑफ फायर से गोलियां भी चलेगी, तो काफी ज्यादा ये भी ज्यादा मस्त है, बहुत मस्त है ये वाला। गाइस इसके बाद आते हैं गाइस ये वाला ठीक ना मतलब M60 की जो कि आप लोग देख सकते हो वल्केनो वाला है, तो वल्केनो वाला में सिंगल रेंज आपको देखने को मिले माइनस मैगजीन और आर्मर पेटेस। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मैगजीन से कोई मतलब नहीं, आर्मर पेटेसन यानी कि जल्दी वेस्ट फाड़ देगा बंदे का तो डैमेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगेगा। एंड गाइस एक और M60 है कुछ इस टाइप का देख सकते हो जिसमें आपको सिंगल डैमेज डबल रेंज देखने को मिलती है। देखिए गाइस ये तो बेकार है, ये तो लेना ही मत, ये भी मत लेना क्योंकि इससे अच्छा ना सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है मुझे लगा ना ये और ये। देखिए गाइस दोनों में से कोई भी लो बहुत ज़्यादा तबाही है, ठीक है ऊपर वाले दोनों में से कोई भी लो बहुत ज़्यादा तबाही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों में रेट ऑफ फायर है और एक में डबल रेट ऑफ फायर है सिंगल एक्यूरेसी है, और ये टॉप वाला सबसे टॉप वाला लोगे ठीक ना अजर वाला, तो अजर वाला काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 25 टोकन और लगा लो और ये वाला ले लो क्योंकि इसमें डबल डैमेज देखने को मिलता है और डैमेज और रेट ऑफ फायर यानी कि डैमेज भी लगेगा रेट ऑफ फायर भी लगेगी, तो बहुत ज़्यादा तबाही है ये वाला, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है आप लोग के लिए, और आपके पास 25 टोकन कम पड़ा है तो आप ये भी ले सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं। गाइस अब आती है M60 की, तो सबसे पहले M60 देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ठीक ना ये वाला जो कि आप लोगों को थोड़ा सा रेड कलर ग्रीन कलर का दिख रहा है या रेड कलर का दिख रहा है जिसमें आपको डबल रेट ऑफ फायर सिंगल रिलोड देखने को मिलते हैं। तो जो रिलोड इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि गाइस M10 का रिलोड बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें रिलोड कम करता है मतलब बहुत ज़्यादा, मैगजीन थोड़ा कम है, रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा तबाही होने वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है। एंड गाइस ये भी वाला डबल डैमेज देखने को मिलते हैं और सिंगल रेंज आपको देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है, लेकिन एक्यूरेसी माइनस में तो थोड़ा ये बेकार होने वाला है। एंड गाइस उसके बाद आता है ये वाला M10 की, तो सिंगल रेट ऑफ फायर डबल रेंज आपको देखने को मिल जाता है माइनस में रिलोड स्पीड, तो जैसे कि आपको बताया रिलोड स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है तो ये मत लेना क्योंकि गाइस इसमें आप लोगों को डबल रेंज तो दे रहा है पर गाइस माइनस में रिलोड और इसमें एमओ मतलब ऑलरेडी कम ही रहता है तो रिलोड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, ये मत लेना मेरे हिसाब से। एंड गाइस इसके आपको डबल मैगजीन देखने को मिल जाता है, सिंगल मतलब रिलोड स्पीड माइनस में सिंगल डैमेज देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा कम होने वाला है, मतलब कम टोकन मिल रहा है तो कम तो होने वाला है। देखिए गाइस सबसे ज्यादा बेस्ट है मुझे ये वाला लगा, सबसे टॉप वाला ठीक है ना, सबसे टॉप वाला ही लगा क्योंकि रेट ऑफ फायर है और रिलोड है, रिलोड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, M10 में जल्दी रिलोड करो, डबल गोलियां मतलब डबल स्पीड से गोलियां भी छोड़ेगी और डबल स्पीड से मतलब रिलोड भी होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है ये वाला, निकाल सकते हो दोनों ऊपर वाला टॉप वाला जो भी दिखा रहा है ठीक है ना, दोनों मतलब M60 भी टॉप वाला और M10 भी टॉप वाला काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अरे गाइस अब बात ये कितना डायमंड लगा, तो डायमंड तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें लग जाएगा, मतलब एक निकालने में M10 या फिर कुछ और टोकन से निकालने में आप लोग को टोटली खर्चा मतलब डायमंड का
1500 ले लेगा आराम से। तो गाइस यही मैं आपको बताया था, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, मिलते कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।